हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर ज्ञान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कि किस प्रकार से आप डिसाइड करें कि आईटीआर का कौन सा फॉर्म आपके लिए सही है और आपको कौन सा फॉर्म यहां फिल करना चाहिए। मेरे पास में काफ़ी क्वेश्चंस थे कि प्राइवेट टीचर हैं तो कौन सा आईटीआर फॉर्म यहां फिल करें, इसी के साथ में होम ट्यूशन से इनकम है तो उस इनकम को कैसे शो करें। तो इन सभी चीज़ों का समाधान मैं आज लेकर आया हूँ। एक और क्यूरी थी जिसके अंदर पूछा गया था कि मैं एक LIC एजेंट हूँ और कमीशन से मेरे यहाँ इनकम होती है, तो मैं कौन सा जो है फॉर्म ITR फिल करूं, यहाँ कौन सा फॉर्म मेरे लिए बना है, कौन सा वेस्ट है। तो इन सभी जो क्वेश्चंस का आंसर मैं आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, मुख्य जो बिंदु रहेंगे वो रहेंगे होम ट्यूशन इनकम और इसी के साथ में प्राइवेट टीचर जो है उनकी इनकम, कि वह कौन सा फॉर्म जो है यहाँ फिल करें। दोस्तों, यहाँ पर कुल ITR 1 से लेकर ITR 7 तक कुल 7 फॉर्म प्रोवाइड करवाए गए हैं जो आप फिल कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ डायरेक्टली बात करूं तो फॉर्म संख्या 5 से लेकर 7 तक के जो हैं वो है फर्म्स, कंपनीज और चैरिटेबल जो ट्रस्ट हैं उनके लिए बने हैं। जाहिर बात है, इंडिविजुअल के लिए यहाँ पर ITR 5 to 7 फॉर्म नहीं बने हैं, इसलिए आपको यहाँ ITR 5 to 7 भूल जाना है, इनको आपको फिल नहीं करना है। अभी अपने बात कर लेते हैं ITR 1 to 4 के लिए। ये ITR 1 to 4 क्या है? ITR 1 to 4 इंडिविजुअल और HUF के लिए हैं। तो यहाँ दोस्तों, सबसे पहले अपने देखेंगे कि ITR 1 क्या है। सबसे पहले बात करें कि ITR 1 को कौन फिल कर सकता है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं, इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल जो इंडियन हैं, इसी देश के रहने वाले हैं, जो NRI हैं उनके लिए ITR 1 नहीं है। इसी के साथ में टोटल जो इनकम है वो है अप टू लेके, मतलब 50 लाख तक की इनकम जहां तक है वहां तक वह इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी के बाद में मैं आपको बता दूं, यह इनकम जो इसका सोर्स क्या होना चाहिए, 50 लाख तक की जो इनकम है, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्स। अदर सोर्स जैसे इंटरेस्ट है और भी जैसे जो सोर्स हैं, लेकिन यहाँ पर सभी सोर्स से मिलाकर कुल जो इनकम वो 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यदि आपके एक से अधिक यहाँ हाउस प्रॉपर्टी हैं तो भी आप इसको फिल नहीं कर सकते। इसी के साथ में एग्रीकल्चर इनकम, छोटी सी आपकी ज़मीन है उसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, तो यदि 5,000 रुपये तक की आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो आप इसको भर सकते हैं। यदि 5,000 से अधिक आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है तो यहाँ पर आप ITR 1 फिल नहीं करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कौन फिल नहीं कर सकता ITR 1 को। तो यहाँ यदि मैं बात करूँ कौन फिल नहीं कर सकता, तो ऐसा पर्सन जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ITR 1 को फिल नहीं कर सकता। इसी के साथ में ऐसा इंडिविजुअल, चाहे वह सैलरी ही लेता है लेकिन यदि वह किसी कंपनी का डायरेक्टर है या फिर उसने किसी अनलिस्टेड इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, ऐसा इंडिविजुअल ITR 1 को फिल नहीं कर पाएगा। इसके लिए दूसरे ITR फॉर्म बने हैं, तो देख लेते हैं दोस्तों ITR 2 क्या है। दोस्तों, ITR 2 जो है, सबसे पहले अपने देखेंगे कि कौन फिल कर सकता है। ITR 2 को इंडिविजुअल्स और HUF दोनों फिल कर सकते हैं, बट ये जो इनकम है बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं होनी चाहिए। BNP मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन से यह जो इनकम है नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में ऐसी इनकम जो कैपिटल गेन है, बहुत से लोग कैपिटल गेन करते हैं, तो ये जो इनकम है वो लोग ITR 2 फिल कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि एक से अधिक घर हैं आपके, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपके एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी हैं जिनसे आपकी इनकम है तो भी आप यहां ITR 2 फिल करेंगे। इसी के साथ में यदि आपके एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से अधिक है तो भी आप ITR 2 फिल करेंगे। और इसी के साथ में दोस्तों, NRI जो है वह भी ITR 2 है फिल करेंगे। दोस्तों, ITR 2 कोई भी फिल कर सकता है, एंड NRI एंड रेजिडेंट दोनों ही केसेज के अंदर यहाँ ITR 2 फिल किया जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं कौन हैं जो ITR 2 फिल नहीं कर सकते। तो यहाँ दोस्तों, जो ITR 1 फिल नहीं कर सकता वही ITR 2 फिल नहीं कर सकता। सेम कंडीशंस हैं, बिजनेसमैन, बिजनेस की जो इनकम है वह ITR 2 फिल नहीं कर सकता। इसी के साथ में ऐसे इंडिविजुअल्स जो कंपनी डायरेक्टर हैं या फिर उन्होंने अनलिस्टेड इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, वह भी यहां पर ITR 2 फिल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अपने बात कर लेते हैं ITR 4 के बारे में, क्योंकि ITR 3 कुछ स्पेशल है जो मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां देख लेते हैं ITR
4। तो दोस्तों ITR 4 कौन फिल कर सकता है? इंडिविजुअल्स, HUF एंड फर्म्स अदर देन LLP टू डिक्लेयर इनकम फ्रॉम प्रजम्प्टिव बिजनेस। यदि आप अपनी इनकम प्रजम्प्टिव बिजनेस के रूप में शो कर सकते हैं तो आप यहां ITR 4 फिल करेंगे। इसी के साथ में यहां एक और शर्त है, अप टू 50 लाख। यहां यदि आपकी इनकम 50 लाख रुपए तक है तो ही आप फिल कर सकते हैं ITR 4 को, अदरवाइज आप यहां ITR 4 फिल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में जो आपकी इनकम है इसका सोर्स होना चाहिए सैलरी से होनी चाहिए आपकी इनकम, एक ही आपके घर से होनी चाहिए, वन हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम हो या फिर अदर सोर्स से आपकी इनकम हो, बट 50 लाख से ऊपर आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपकी यदि एग्रीकल्चर इनकम भी है थोड़ी बहुत, तो यदि 5,000 रुपये तक की एग्रीकल्चर इनकम है तो आप यहाँ पर ITR 4 फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ ITR 4 फिल नहीं कर सकते हैं। यदि एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी है तो भी आप यहाँ ITR 4 फिल नहीं करेंगे। दोस्तों यहाँ कुछ कंडीशंस रहती हैं, यहाँ पर आपका सैलरी का कुछ हिस्सा ऑलरेडी आप जो टर्नओवर फिल करेंगे उसी के अनुसार, यदि बैंक ट्रांजेक्शन हुआ है तो 6% आपकी इनकम मान लिया जाता है, या फिर यदि आपके द्वारा कैश पेमेंट किया जाता है या फिर कैश लेन देन किया जाता है तो यहाँ आपके द्वारा जो यहाँ टर्नओवर शो किया गया है उस टर्नओवर का 8% जो है आपकी इनकम मानी जाती है, आपका जो प्रॉफिट मान लिया जाता है। दोस्तों इसके बाद में अपने बात करेंगे कौन फिल नहीं कर सकता, तो यहाँ ऐसा केस, इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम कमीशन एंड ब्रोकरेज, यदि आपकी इनकम कमीशन से है या फिर ब्रोकरेज से है तो आप ITR 4 फिल नहीं कर सकते। इसी के साथ में ऐसे इंडिविजुअल्स जो कंपनी के डायरेक्टर हैं या फिर उन्होंने अनलिस्टेड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो भी वह यहाँ पर ITR 4 फिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों सबसे ज़्यादा जो क्यूरी रहती है वह रहती है LIC एजेंट्स की, जिनका जो मोस्टली जो इनकम सोर्स है वह रहता है कमीशंस, उनकी सबसे ज़्यादा क्यूरी आती है कि कौन सा फॉर्म वह फिल करें। तो दोस्तों ये मैं आपको अभी बता दूंगा, आप यहाँ ITR 4 फिल नहीं कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि आपकी इनकम कमीशन से रहती है, कमीशन इनकम कभी भी ITR 4 में फिल नहीं हो सकती। तो दोस्तों अभी जो अपन ने छोड़ा था ITR 3, उस पर अपने चर्चा कर लेते हैं। ITR 3 यदि दोस्तों मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में कहूँ दोस्तों, ऐसा पर्सन जो ना तो ITR 1 फिल कर सकता है, ना ही ITR 2 फिल कर सकता है और ना ही ITR 4 जो है फिल कर सकता है, तो उसके लिए बना है ITR 3। मतलब यहाँ जो भी पर्सन ITR 1, 2, 4 नहीं फिल कर सकता है वह ITR 3 फिल कर सकता है। दोस्तों कौन फिल कर सकता है? इंडिविजुअल्स एंड HUF हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब ऐसे इंडिविजुअल और HUF जिनकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है वह यहाँ ITR 3 जो है फिल करेंगे। दोस्तों यहाँ पूछा जाता है कि मैं एक LIC एजेंट हूँ तो मैं कौन सा ITR फॉर्म फिल करूँ, तो दोस्तों आपके लिए बना है ITR 3 और आपको ITR 3 ही यहाँ जो है फिल करना है, क्योंकि दोस्तों आपकी जो इनकम है वह है यहाँ बिजनेस इनकम, क्योंकि जो कमीशन जो आपका आता है उसको कमीशन को यहाँ एक बिजनेस के तौर पर देखा जाता है। तो डिसाइड ये करना है कि आपका जो मोस्टली पार्ट ऑफ इनकम कमीशन है, यदि आपका मोस्टली पार्ट ऑफ इनकम कमीशन है तो आपको ITR 3 फिल करना है। दोस्तों इसके बाद में मेरे पास में एक क्वेश्चन था जो था प्राइवेट टीचर का, कि मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ और मुझे कौन सा ITR फिल करना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर देता हूँ, यदि आप प्राइवेट टीचर हैं और आप फिल करना चाहते हैं एक ITR फॉर्म, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप फिल करें ITR 1। ITR 1 आप फिल करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि कहाँ पर आप कौन सा फिल करें। आप यहाँ पर ITR 1 भी फिल कर सकते हैं, 2 भी फिल कर सकते हैं और 4 भी फिल कर सकते हैं। यदि आपके सिंगल हाउस प्रॉपर्टी है जिससे इनकम है, यदि आपके एग्रीकल्चर इनकम भी है 5,000 तक है, तो आप यहाँ पर फिल करेंगे ITR 1। अदरवाइज आप यहाँ ITR 2 फिल करेंगे, और यदि आप ITR 2 में भी फिट नहीं बैठते हैं तो आप ITR 4 जो है फिल करेंगे। इसके बाद में दोस्तों मैं यहाँ आपको कुछ प्रदर्शित कर देता हूँ डेटा कि आप किस प्रकार से ट्यूशन इनकम को शो करें। मेरे पास में एक और कमेंट था जिसके अंदर पूछा गया था होम ट्यूशन इनकम को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए, तो दोस्तों यहाँ भी मैं आपको वो चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ कि आपको कहाँ वो प्रदर्शित करना रहेगा। दोस्तों मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक फॉर्म जो पहले से फिल है ITR 1
दोस्तों एक मैडम है जो यहाँ ट्यूशन भी देते हैं और साथ में सैलरी भी है इनकी। इन्होंने सैलरी से जैसे प्रदर्शित किया 2,30,000, तो ये इन्होंने यहाँ प्रदर्शित किया सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) के अंदर। आप जो है 17(1) के अंदर आप यहाँ सैलरी जो आपको स्कूल की ओर से मिलती है वह है आप यहाँ प्रदर्शित कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ नीचे की तरफ आ जाएंगे, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके अदर ऑप्शन रहते हैं टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। यदि आपकी हाउस प्रॉपर्टी है जिससे आपको इनकम है, आपने रेंट पे दे रखा है, यहाँ लेट आउट आपने उसको कर रखा है, रेंट पे दे रखा है, तो उससे जो भी इनकम है आप यहाँ प्रदर्शित करेंगे। और यदि आपने यहाँ होम लोन ले रखा है तो आप यहाँ ये यह जो फिफ्थ नंबर कॉलम आपको प्रदर्शित हो रहा है इंटरेस्ट पेएबल ऑन ब्रोड कैपिटल, आप इस यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में यदि आपने अदर सोर्स बताया है ट्यूशन इनकम आपके है तो आप यहाँ ट्यूशन इनकम प्रदर्शित करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं B3 जो पार्ट है उसके अंदर आप यहाँ प्रदर्शित करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दोस्तों आप देख सकते हैं इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक यहाँ 560 और इसी के साथ में एनी अदर ट्यूशन इनकम यहाँ प्रदर्शित की गई है 3,15,000 315,000। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पर एनी अदर सोर्स जो है उसके अंदर B3 के अंदर ट्यूशन इनकम को प्रदर्शित करेंगे और आप यहाँ सिंपली नोट कर देंगे। इसी के साथ में ग्रोस टोटल आपका जो है वह यहाँ हो जाएगा, यहाँ इस केस के अंदर यहाँ मैडम के जो ग्रोस टोटल बनता है वो बनता है 495,550। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो जिसके अंदर मैंने आपके जो भी क्वेश्चंस थे, जो कमेंट्स थे, उन सभी को क्लियर किया। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ओके बाय।